मैं तो यही कहूंगा कि हिंदू मुसलमान तो आपस में वैसे जो हमारे को सिखाया गया भाई भाई हैं, लेकिन हिंदुओं पे जुल्म नहीं होना चाहिए। हम यही से कहते हैं कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। हिंदुओं के प्रति जितने भी अत्याचार हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं और ये नहीं होने चाहिए। सब इंसान इंसान है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जिहादी तत्वों के द्वारा पिछले कई दिनों पर हिंदुओं की हत्याओं का दौर थोड़ा बढ़ गया है। जिस प्रकार से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, उसके विरोध के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर जगह जगह स्थान स्थान पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूं झंडेवालान माता मंदिर के पास में, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हिंदुस्तान में जो हिंदुओं की जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं और जो अभी हाल ही में यहाँ जो बजरंग दल कार्यकर्ता शंभू कोइरी की जो हत्या हुई है आसाम में, उसको लेकर के यहाँ पर यह प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। प्रणाम महाराज जी। निर्गम हत्या के विरोध में बजरंग दल मैदान में हिंदुओं की, बताएं किस तरह का ये प्रोटेस्ट है, क्यों कर रहे हैं आप, हमारे दर्शकों को पूरा मामला क्या है वो बताने की कोशिश। देखिए, असम के अंदर जिस प्रकार से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, उसके विरोध के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर जगह जगह स्थान स्थान पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहा है। और उसके बाद राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपने का हम काम करेंगे कि कब तक भारतवर्ष के अंदर हिंदुओं की हत्या इस प्रकार होती रहेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई आप लगातार इसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रदर्शन धरने करते रहते, सरकार को चेताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सरकार का ध्यान नहीं जाता, लेकिन भारतवर्ष के अंदर एक जिहादी मानसिकता की जो प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वो सदैव हिंदू हित में काम करने वाले लोगों की हत्या का काम करते ही करते हैं। और उसी की प्रतीक के रूप में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की असम में जो हत्या हुई है और उसका विरोध प्रदर्शन भारत में हर स्थान पर, हर जिले में, हर प्रखंड के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कर रहा है, उसी का विरोध प्रदर्शन आज यहाँ पर झंडेवाला मंदिर के पास हम लोग कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध हो रहा है। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, एक बार अपना परिचय दे। योगी उमेशपुरी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रदर्शन को लेकर, आपका परिचय देते हुए? मैं पंडित सुभाष चंद्र, हमारी सबकी एक ही मांग है, जागदी मानसिकता बंद हो। जो देश में हिंदू एक्टिंग विरोधी सिस्टम चल रहा है वो जिहादी मानसिकता, तो ये भारत देश हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र है। हमारी सबसे यही हमें ये कहना है कि जो निर्मम हत्या जो करते हैं हमारे भोले भाइयों पर, धोखे से उनके पीठ पे वार करते हैं, वो जिहादी मानसिकता बंद हो। ये देश सबका है, प्रेम से रहो, बस हम यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। इस प्रदर्शन में कुछ महिलाएं भी भाग ले रही हैं, तो आइए जानते हैं। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है। आप एक महिला होकर के इस संगठन में, इस प्रदर्शन में भाग ले रही हैं, क्या कारण है बताएं? हिंदुओं पे अगर अत्याचार होगा तो हिंदू जो महिलाएं हैं वो भी तो हिंदुओं के लिए ही खड़ी होंगी ना। तो महिलाओं को और महिलाओं को लाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? सब आएंगी, आ रही हैं, क्योंकि ट्रैफिक आज थोड़ा ट्रैफिक था ना, इसलिए सब फंसी हुई है, सबके फोन आ चुके हैं, चली हुई है, सब पहुँच रही है, जो सब मेंबर है। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर, जो हिंदुओं पर जो हत्याएं हो रही हैं उसको लेकर, क्या कहना? हम यही से कहते हैं कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। हिंदुओं के प्रति जितने भी अत्याचार हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं और ये नहीं होने चाहिए। सब इंसान इंसान है, मगर एक दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए कि पहले हिंदू मुसलमान बाद में है, पहले सब इंसान है और इंसानों को इंसानों की तरह देखना चाहिए। हिंदू हिंदू है और हिंदू इस रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए कहीं तक भी जा सकता है। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद अंकल, आगे आइए। हमारे साथ एक बुजुर्ग अंकल जी हैं जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपकी। इतनी एज है, आपको देख के बहुत अच्छा लगा कि आप भी प्रोटेस्ट में हैं। और जो हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत फैलती जा रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं तो यही कहूँगा कि हिंदू मुसलमान तो आपस में वैसे जो हमारे को सिखाया गया भाई भाई हैं, लेकिन हिंदुओं पे जुल्म नहीं होना चाहिए।
इसके मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मुसलमान भाइयों को भी यही मैं अपील करूँगा कि आपस में भाईचारा बना रहे और इसलिए संसार में देश का भला होगा। मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हिंदू मुसलमान एकता के लिए अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। निशा वगैरह जी होगा वीर बजरंग बली की जय हो। आपका शुभ नाम और आपकी आयु एक बारी बता दें। मेरा नाम काला सिंह है लेकिन मेरी उम्र का मुझे कोई अपने खुद ही नहीं पता होता क्योंकि मैं तो आपका बच्चा ही हूँ देखा जाए तो। आप देख सकते हैं अंकल जी की जिंदा दिली। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका परिचय देते हुए बताएं कि आप इस प्रदर्शन में क्यों भाग ले रहे हैं, सरकार से क्या आपकी डिमांड। हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये आज का हमने प्रदर्शन किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जिहादी तत्वों के द्वारा पिछले कई दिनों पर हिंदुओं की हत्याओं का दौर थोड़ा बढ़ गया है और इन्होंने अपना ढंग भी बदल लिया है। एक मिनट, आपने बोला ये बढ़ गया है, इसका बढ़ने का कुछ कारण बताएंगे क्यों बढ़ा। हमें लगता है कि ये इनका जो है इस समय दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और आवश्यकता है कि इनके इन सब दुस्साहसों के ऊपर रोक लगाने की। इन्होंने अपना ढंग भी बदल लिया है, ये अब आगे मासूम बच्चों को करते हैं। मासूम बच्चे वो मासूम नहीं रह जाते हैं क्योंकि उनको ये बच्चों को पहले से ही बचपन से ही बकरा काटना बकरीद के अंदर ऐसा करते करते क्रूरता उनके अंदर डाल देते हैं। उसी का ही असर ये होता है कि जैसे ही वो 16-17 साल की आयु में आते हैं वो आगे बढ़ के ये मार काट ये सब काम करने लग पड़ते हैं। हम सब देख रहे हैं कि अभी जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं उसमें इस तरह से नाबालिग बच्चों को आगे किया जा रहा है, अनेकानेक हत्याएं हो रही हैं। जम्मू के अंदर हमने देखा किस तरह से 7 हिंदुओं की उन्होंने आधार कार्ड देख कर हत्या की है। ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है कि इनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और स्थिति ये हो गई है कि अब इन्होंने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की भी हत्या की है करीमगंज में, आसाम में। विश्व हिंदू परिषद ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारे किसी कार्यकर्ता हमारे किसी भी बंधु का इस तरीके से वो आकर उनको चोट भी पहुंचाएंगे। इस सब के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, आज का ये प्रदर्शन उसी की कड़ी में है। हम अभी राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इन सब तत्वों पर रोक लगे और ऐसे जितने भी तत्व हैं इन सब को तुरंत इनको जेल में डाला जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर, जैसे कि छोटी उम्र के, जैसे आपने बताया तो छोटी उम्र के जब लोग अपराध करते हैं तो उनके लिए भी कोई ऐसा कानून, क्योंकि अपराध तो अपराध ही है, फिर उनको क्यों छोड़ दिया जाता है छोटी उम्र का, समझ गए। बिल्कुल, हमें लगता है कि ऐसे जो तत्व हैं इनको नाबालिग की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये नाबालिग नहीं है। जिस निशंस तरीके से ये हत्या करते हैं वो ये दर्शाता है कि इनको बचपन से, इनको जहाँ से ये पढ़ते हैं, पढ़ते भी कहाँ से, मदरसों से, मस्जिदों से, वहीं से ही इनको ये शिक्षा दी जाती है, ये ट्रेनिंग दी जाती है, ये जिहादी मानसिकता इनमें डाली जाती है। उसी का परिणाम ये होता है कि इस तरह से ये निशंस हत्याएँ करते हैं। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं ये जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ बाहर झंडेवालन माता मंदिर के पास जो बाहर इनका जो प्रदर्शन हो रहा था यहाँ से अपनी बात को लेकर के इस मार्च के द्वारा जो है यहाँ SDM साहब के पास यहाँ जाएंगे और वहाँ उनको ज्ञापन देंगे, उसके बाद राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग जो है हिंदुओं की जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं उसके विरोध में किस तरह से यहाँ से मार्च करते हुए SDM साहब तक के यहाँ पहुँचने वाले हैं। वीर बजरंगे, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कपिल खन्ना और अपने समर्थकों के साथ SDM करोलबाग से मिलने जा रहे हैं। हिंदुओं की निर्मम हत्या को लेकर के जो ज्ञापन है वो SDM साहब को देंगे, उसके बाद राष्ट्रपति जी को देंगे।
आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कपिल खन्ना जी, जो कि करोलबाग एसडीएम माननीय शक्ति बांगर जी को अभी ज्ञापन देकर के आए हैं। सर, अभी आप ज्ञापन सौंप करके आए हैं एसडीएम साहब को, तो क्या उन्होंने कहा है, क्या बातें हुई, कुछ बताएं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे ज्ञापन को प्रशासन में आगे भेजा जाएगा और इस पर क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में हमें बताएंगे भी। जो कार्रवाई होगी उससे आपको रिप्लाई करेंगे। जी हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। आपने ये सारी खबर देखी, किस तरह से जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं उसके विरोध में हिंदू संगठनों ने, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का ये प्रोटेस्ट था। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। और आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है कि इस तरह की घटनाओं से, या कहें कि हिंदू मुसलमानों के बीच जो दरार बढ़ रही है, जो नफरत बढ़ रही है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है, आखिर क्या कारण है कि इस तरह की वारदातें लगातार भारतवर्ष में बढ़ती जा रही हैं। तो आप अपने विचार और सुझाव हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्द अगली खबर में मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।